देखते हैं यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारा मोबाइल जो है वो फिंगरप्रिंट से लॉक है, यानी हम जब फिंगर सेंसर फिंगर को टच करेंगे तभी हमारा व्हाट्सएप जो है वो अनलॉक होगा। दोस्तों बिना किसी एप्लीकेशन के आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फिंगर से फिंगर को टच करता हूँ हमारा दोस्तों व्हाट्सएप अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, देखते हैं फिर से ओपन करता हूँ तो फिर से हमारा फिंगर से फिंगर को टच करते ही अनलॉक हो जाता है। तो आप भी अपने मोबाइल में, अगर आपके पास है मोटो G24 पावर मोबाइल है और आप भी अपने मोबाइल में दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना चाहते हैं बिना किसी एप्लीकेशन से, तो कैसे सेट करेंगे? बिना ऐप के फिंगरप्रिंट लॉक सेट करने के लिए अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिंगर सेंसर पे हम दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो हो जाएगा, यानी दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से शो हो जाता है। अब आपको करना क्या, ऊपर राइट साइड में देखते हैं थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री बिंदी, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स का लोगो दिखेगा, सेटिंग्स के लोगो पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों अगर आपने पहले से कोई भी अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक सेट किया रहेगा तो ही यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ये टिक ऑफ रहेगा, इसको ऑन करना है। ऑन करते ही आपको यहाँ पे बता रहा है कि फिंगर से फिंगर को एक बार टच करके अपने मोबाइल में वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके सेंसर पे टच करना है, सेंसर पे टच करते ही आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है व्हाट्सएप पे। दोस्तों ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया ना कुछ भी, आपके डायरेक्ट ही व्हाट्सएप से फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है। आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, जितनी बार भी ओपन करेंगे उतनी बार आपको फिंगर से फिंगर को टच करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या, जितनी बार आप ओपन करेंगे उतनी बार टच करना है, तो आपको इमीडिएटली पे क्लिक कर देंगे और आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में इस तरीके से व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाओगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, मिलते हैं नई वीडियो में।